इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे क्रीम 21 मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये क्रीम कैसी है, ये क्रीम वर्थ बाइंग है कि नहीं, ये क्रीम स्किन को नरिश करती है या नहीं, किस स्किन टाइप के लिए ये बेहतर है, किस सीजन में हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्रीम एक ऑरेंज कलर के प्लास्टिक जार में आती है और अंदर से सील होती है। ये 3 डिफरेंट साइजेस में आती है, 50 ml, 150 ml और 250 ml। अंदर के प्रोडक्ट की बात करें तो ये क्रीम वाइट कलर की है। इसका टेक्सचर लाइट टू मीडियम कलर का है। इसकी सुगंध बेहद मोहक है, बिल्कुल भी हार्श या स्ट्रॉन्ग नहीं है। माइल्ड फ्रेग्रेंस है, कुछ घंटों तक आपकी त्वचा में स्टे करती है। आप जब इसको अप्लाई करते हैं काफ़ी इजीली आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाती है, आपकी स्किन में इजीली अब्जॉर्ब हो जाती है विद इन अ मिनट। ये क्रीम आपकी स्किन पर बिल्कुल भी वाइट मार्क्स नहीं छोड़ती है, आपकी स्किन को एक हेल्थी ग्लोइंग लुक देती है। ये क्रीम आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देती है और आपकी स्किन को सॉफ्ट और सप्पल बनाती है। ये बिल्कुल भी ग्रीसी या स्टिकी तरीके की क्रीम नहीं है, बहुत ही लाइट वेट क्रीम है ये, और इसे लगाने से पता भी नहीं चलता कि आपने अभी कोई क्रीम लगाई भी है या नहीं। ये क्रीम आपकी स्किन को 8 से 10 घंटे के लिए मॉइस्चराइज करती है। इस क्रीम में विटामिन ई, विटामिन बी है जो आपकी स्किन को ब्यूटीफुल बनाती है। हमें ये क्रीम कब इस्तेमाल करनी चाहिए? जब भी आपकी स्किन ड्राई फील हो, चाहे नहाने के बाद या शावर लेने के बाद, तब आप इस क्रीम को अप्लाई करें। आप रोजाना इसे रेगुलर मॉइस्चराइजर के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। इसे आप फेस और बॉडी दोनों पर यूज कर सकते हैं। यहाँ इसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मेंशन है, यहाँ इसकी एक्सपायरी डेट मेंशन है। मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपायरी तक के दरमियान 3 साल का फासला है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपने डब्बा खोल लिया है तो आप इसे 1 साल के अंदर ख़त्म कर लें, वरना ये क्रीम बेकार हो जाएगी। और ये क्रीम आपको सबसे कम दाम पर ले लो ऑनलाइन पर मिल जाती है। जहन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सवाल ये आते हैं, क्या ये क्रीम वाकई में हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करती है? तो आंसर बिल्कुल स्ट्रेट है, यस, वाकई में ये क्रीम काफ़ी नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। दूसरा सवाल, क्या हमें इसे गोरा रंग प्राप्त होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एक वाइटनिंग क्रीम नहीं है, ये एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। तीसरा सवाल, क्या हम इसे फेस और बॉडी दोनों में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, ये फेस और बॉडी दोनों के लिए 100% सेफ प्रोडक्ट है और पुरुष और महिलाएं भी इसे लगा सकते हैं। चौथा सवाल, किस स्किन टाइप के लिए ये सूटेबल है? तो ये दोनों ही स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, ऑयली हो, ड्राई हो या नॉर्मल स्किन हो, आप सभी प्रकार की स्किन पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकेजिंग पर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है कि यह किस स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। मेरे हिसाब से तो ये दोनों जेंट्स और लेडीज के लिए सूटेबल है। नॉर्मल स्किन वाले लोग अगर इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट है, क्योंकि ये आपकी स्किन को नरिश भी करती है और मॉइस्चराइज भी करती है और साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त हाइड्रेट करती है। तो ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये तो बहुत ही बेहतर क्रीम है। ऑयली स्किन वाले लोग भी इसे बहुत ही आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका टेक्सचर लाइट है और मीडियम है। ज़्यादा ड्राई या सेंसिटिव स्किन है तो इसे आप समर में ही यूज़ करें। आइए इस क्रीम के प्रोज एंड कॉन्स जान लेते हैं। अच्छी क्वालिटी है, दूसरी बात अफोर्डेबल है, तीसरी बात इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन पर, वैसे ले लो ऑनलाइन पर ये क्रीम ओरिजिनल मिलती है, ट्रैवल फ्रेंडली है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए भी अच्छी है और मेल्स तथा फीमेल्स दोनों के लिए इक्वली इफेक्टिव है। कॉन्स वैसे तो अभी कुछ नज़र आए नहीं है, ये मेड इन जर्मनी है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है इस क्रीम को यूज़ करने का तो कृपया कमेंट्स में डालकर हमें बताएं। धन्यवाद।